हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो पूरी कुकिंग वीडियो होने वाली है। उसमें मैं आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर करूंगी और मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो मैं बनाने वाली हूँ यानी कि जो मैं सीखने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीकों से। तो चलिए फिर चलते हैं सीधा किचन। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और ये नाश्ते में ये सब है, बैगन का भरता, जलेबी, ये सारी चीज़ें और रोटी। और अब हम बनाने वाले हैं आज मठरी और नमक पारे। फिर हमने लिया 1 किलो मैदा इसके लिए, और इसमें गया अजवाइन जो टेस्ट और डाइजेशन दोनों के लिए ही अच्छा होता है। फिर इसमें हमने डाला नमक। ये सारी रेसिपी पापा मुझे बता रहे हैं तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, काम आएगी नेक्स्ट टाइम बनाते टाइम। और अब इसमें गया रिफाइन, आप इसे रिफाइन डाल सकते हैं क्योंकि इससे थोड़ा ना खसखसा टेस्ट आता है, मतलब अच्छा होता है टेस्ट के लिए भी। फिर अब हम इसे आपस में यानी कि मैदा को और इसमें अच्छे से गूंदेंगे, एक तरीके से पहले इसे आपस में मिला लेते ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रहे, ढेर ना रहे, एक तरीके से डेला, सॉरी ढेर बोल दिया मैंने। और फिर इसे अच्छे से इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा पूरा मिक्सचर। फिर हम इसको एक डो बना लेंगे इस फॉर्म में। इसका डो हमें थोड़ा टाइट सा बनाना है, ज़्यादा वैसा नहीं बनाना है। और आज मौसम देख सकते हैं आप कितना सुंदर हो रहा है। हमारी दद्दी प्याज चोल रही हैं, ये देखिए इन्हें सुनहरे लंबे बाल इनके। और यहाँ पे अच्छे से रिफाइन भी गर्म हो चुका है, हमने रिफाइन लिया क्योंकि ये जल्दी से हीट हो जाता है, इसमें बनाना इजी होता है। सरसों के तेल को थोड़ा सा पकाना होता है वरना कच्चा रहेगा तो टेस्ट ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे तेल भी गर्म हो रहा है और इसके छोटे छोटे से गोले बना लेने। और अब पापा मुझे बताएंगे इसको बेलना और इसको काटना किस तरीके से, क्योंकि नॉर्मल जो आटा होता है वो बहुत ईजी होता है लेकिन जो ये मैदा होता है ना बहुत टाइट होता है। इसमें हल्का सा तेल लगाया यानी कि, और अब इसको इस तरीके से खींचना यानी कि जिससे इसको पतला हो, क्योंकि मोटा रखेंगे ना तो फिर इसका टेस्ट भी ख़राब होगा और इसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है और खाने में कुरकुरे टाइप और मज़ा भी नहीं आता। तो इसको आपको थोड़ा पतला बेलना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। पहले पापा बेल रहे हैं, उसके बाद मेरी बारी होगी। पतला चाहिए, जितना पतला कर सकते हैं क्या? क्या करना था सिले में निशान मार के, हमको इतना निशान ही नहीं मारना है। कुछ नहीं तेल हो गया क्या? कोई ज़्यादा ऐसे रखो ऐसे, ये है ना? हाँ, अच्छा खींचना है मतलब इसको दबा देना, एक बार दबा दोगे ये चिपका नहीं तो इसी पर पर्चर हो गए। उठा मत, उठा मत, हाँ तो इसके ऐसे क्या करना होगा? अगर ऐसे आ रहा था इसको ऐसे वो तो उन्होंने इसके आधे दिन, फिर हाथ की ना रुकन बेकारी ना, सीधा लंबू लाऊं मंडी चकोला, किनारे अरे किनारे गोल हो जाए, गोल टॉड हो जाए, कोई बात नहीं। सर यहाँ टेंशन नहीं, फिर जब मार ये बड़ा छोटा कौन से दुकान में बेचना है, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना, कुछ नहीं पकड़ने का। आगे ये है ना, ये और ये झरना का झरना जल गेल इसे झरना कहते हैं, झरना
मैं कहता रही उस दिन एक दिन मैंने लिए नमक पा रहे इतने बकवास हो रहे थे वो इनको ये है कि बोतल में पैक कर लेना किसी डब्बे में एयर टाइट कंटेनर कंटेनर मिलियन रुपए की माता जिसमें तुमने मिलकर करा हुआ रखा है पाउडर ले फिर मेरे और पापा के बाद अब अम्मू की बारी थी इसे बेलने की बिल्कुल अच्छे से हमने कहा सबके सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था तो अब अम्मू यहाँ पे बेल रहा है इसे अच्छे से बिल्कुल और ये रही उसने मारे दो तीन कांटे कट 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 और उसके बाद इसके भी बन जाएंगे नमक पारे उसके बाद मम्मी बना रही है पहाड़ी स्टाइल में मूली का थिचवा कमेंट करना कि आपने खाया है नहीं खाया है हमारे वहाँ तो बनता ही है फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ डो था उसके हमने बनाई है मटरी क्योंकि उससे काफ़ी अच्छी हो जाती है तो यहाँ पे मूली का थिचवा का भी मूली थिचवा यानी कि मूली को थीच देते हैं इसलिए मूली का थिचवा उसे बोलते हैं हमारे गढ़वाली में उसकी रेसिपी भी मैं कभी शेयर करूँगी आप बताना अगर शेयर करनी होगी तो मेरी हमारी जो पहाड़ी रेसिपीज़ होती हैं खाने को लेके और फिर यहाँ पे सबसे इजी तरीका है इसको गोल काटने का अगर आपके पास कोई कटर कुटर कुछ नहीं है ग्लास लो या कटोरी लो थोड़ी छोटे साइज़ की और उसको उल्टा करके ऐसे गोल गोल घुमा दो और फिर आपके प्रॉपर परफेक्ट शेप में आपको मिल जाएगा तो फटाफट से पापा ये कर रहे हैं फिर लाई मम्मी पहाड़ी ककड़ी और उस पर ये पिसा हुआ घर का नमक इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है नमक की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ और फिर इसको देखो इसकी फेवरेट है मक्का हमारे घर में सब हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं यहाँ तक कि बिल्लियाँ भी और फिर मौसम हो रहा था बहुत ही बढ़िया तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लिया जाए और ये देखो भैया ईगल की उड़ान अकेले होती है लेकिन सबसे बेस्ट होती है और यहाँ पे मौसम और साथ में हरियाली देखिए कितनी अच्छी लग रही है हर तरफ हरियाली छाई हुई है यानी कि पॉजिटिव वाइब्स भर भर के आ रही है इतनी कि हमारे घर का रंग भी हरा है एक तरीके से और फिर मैं आपको यहाँ पे आसपास का व्यू दिखाती हूँ बहुत सुंदर सा व्यू हो रहा था तो मैंने सोचा इसे कैप्चर कर लिया जाए तो ये मेरे आसपास का एरिया है मेरे घर के आसपास का इस तरफ हमारे खेत वगैरह है पेड़ है ये आगे पीछे की तरफ को यहाँ से आगे दिख नहीं रहा है फिलहाल तो इवनिंग टाइम हो चुका है एंड अब मैं जा रही हूँ काशीपुर वापस तो मैं अब जो आउटफिट वेयर करने वाली हूँ वो मम्मी मेरे लिए लेके आई है एक ब्लू सा बहुत सुंदर सा सूट है चलो इससे रेडी होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं तो यस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगी काशीपुर को तो ये मेरा फाइनल लुक है सूट का कॉमेंट बताना कि आपको कैसा लगा मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और इनफैक्ट मैं ऐसा लेने का सोच भी रही थी तो यस मिलते हैं थोड़ी देर में और ये रही मेरी फेवरेट चटनी और यहाँ पे अम्मू आइसक्रीम लेके आया था तो वो आइसक्रीम निकाल के दे रहा था सबको तो मैंने कहा मैं तो चॉकलेट वाला लूँगी और ये रहा मशरूम आज पापा मटर मशरूम बना रहे हैं क्योंकि मिस्टर जोशी को मशरूम पसंद है तो मैंने कहा चलो मुझे बता देना मशरूम कैसे बना दें क्योंकि मैंने अभी तक मशरूम ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे खुद मशरूम पसंद नहीं है लेकिन बाकियों को तो पसंद है और ये रही मेरी आइसक्रीम चॉकलेट वाली मुझे पसंद है वैसे तो मेरी फेवरेट बटर स्कॉच है बट चॉकलेट भी मैं खा लेती हूँ ऐसा कुछ नहीं और इतनी अच्छी लग रही थी ना दिखने में और ऊपर से इसमें थोड़े से नट्स ऐसे पड़े हुए थे और सबसे पहले मशरूम को आपको ऐसे कट कर देना है और इसे बॉईल करना है हल्का सा नमक डाल के फिर जो आप नॉर्मल मसाले वगैरह यूज़ करते हैं वही सब यूज़ करना है तब तक हमने तेल में मसाले डाल दिए हैं तब तक जब तक प्याज भुनता है अच्छे से ये इसमें लाल मिर्च तोड़ के डाली है और ये है मेरी फेवरेट चटनी जो है मूंगफली की चटनी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैंने अपने चैनल पर इसकी रेसिपी भी शेयर करी है मतलब इसका जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल अलग ही होता है और दूसरी मेरी फेवरेट चीज़ जो मम्मी ने बनाई है वो है राजमा और यहाँ पर मशरूम भी बिल्कुल रेडी हो चुका है मैं जल्द ही इन दोनों की रेसिपी शेयर करूँगी और अब मैं वापस काशीपुर को जा रही हूँ तो फटाफट से सारी चीज़ें पैक कर लेते हैं ब्रेक के बाद अपन बदमन में अपन करुण में
अरे वो क्या चलते रहे, अभी तो बच्चा है। अरे वो कैमरे की बोल रही, मैं तो गाड़ी गोल दिए साथ है गाड़ी का कुछ एक ही डायरेक्ट दी एक नहीं यार पापा मेरी मम्मी बहुत है क्या दे रहे अरे कितने भी दे चीज खाना के और खाना है चीज खाना के मैं तो सारे गुल्लक में डालती हूं चॉकलेट खाना है खतर कौन बड़ा रहे इतना बड़ा जब तो बोले हम ना तो बरते देवे चल ही जा तुमको देर यार चलो दे दो आज तो मोटी कमाई हो गई मोटा खड़े मोटी कमाई पर प्रियंका वो तो पीछे उसमें तुमने फिर मुंगरी भर दी दे रही थी खाया कौन उसे पंकज थैला दे रहा वो शान तो मुझे पड़ेगी ले यार चलो हो गया मेरा मुंह मत लेने तुमसे ठीक है छोड़ के ले हां ठीक है चलो बाय बाय और मैं पहुंच चुकी हूँ काशीपुर। ये है मेरे सूट का पूरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर था। तो ये था आज की वीडियो, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय।